हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी 30-60 की है, जी हाँ, और इसमें आपको 6 बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी हमारी जो ये 30-60 की सीरीज चल रही है इसके अंदर हमारी ईस्ट फेस की वीडियो आ चुकी है, ये साउथ फेसिंग वीडियो है, और इसके अलावा हमारी इसके बाद नॉर्थ और वेस्ट फेसिंग की वीडियो भी आएंगी। और अगर आपको इसके अलावा और 30-60 की वीडियोस देखनी है तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आपको वहां पर बहुत सारी 30-60 की वीडियोस मिल जाएंगी और भी अलग अलग साइजेस की वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप एक बार जाकर वहां पर चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों जो ये हाउस है ये आपको यहां पर बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है, इंटीरियर भी आपको यहां पर बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इस हाउस के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो वो आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी कि आपको यहाँ पर कितने बेडरूम और आपको इसके अंदर क्या कुछ और जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर कितनी आने वाली है वो आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करते हुए हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। और क्या तो आइए दोस्तों इसके बाद हम हाउस के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन मॉडर्न लुक में देखने को मिल जाता है। और अगर हम हाउस के आगे के एरिया की बात करें तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ पॉकेट गार्डन वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर हाउस का पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है और जो इनके साइज हैं वो आपको नीचे मेंशन होते रहेंगे, आप देख सकते हैं। और इस पार्किंग का साइज है 12 फीट 9 इंच बाय 22 फीट और 6 इंच का। तो आइए इसके बाद हाउस के अंदर एंट्रेंस लेते हैं। आपको एक डोर आपको यहाँ पर अलग से देखने को मिल जाता है जो आपके गेस्ट के लिए रहेगा। आपको यहाँ पर एक अच्छा ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है और इसका साइज 15 बाय 12 फीट का रहेगा, जो कि एक अच्छा साइज है। आपके यहाँ पर 8 से 10 लोग आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा आप हाउस का लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया देख सकते हैं। हमने ड्राइंग रूम और लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया को एक हिसाब से कंबाइन करने की कोशिश की है ताकि आपका ये देखने में काफी अच्छा लगे। और दोस्तों इसके अलावा जो आपका एक अलग से प्राइवेट एंट्रेंस है वो आपके हाउस के पार्किंग एरिया से रहेगी, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने यहां से हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में एंट्रेंस ले ली है और ये एरिया आपको यहां पर ड्यूप्लेक्स हाइट में देखने को मिल जाता है। और ये एक अच्छी बात है आपके हाउस के लिए अगर आप अपने लिए एक प्राइवेट हाउस बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के किचन एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं किचन आपको यहाँ पर काफी अच्छे लुक में देखने को मिल जाती है, यानी यहाँ पर आपकी किचन जो है ये एक मॉड्यूलर किचन है और आपको यहाँ पर अच्छी वेंटिलेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट। इसका साइज 10 फीट 6 इंच बाई 4 फुट और 10.5 इंच का रहेगा, जो कि एक अच्छा साइज है। और इस टॉयलेट की जो वेंटिलेशन है वो आपकी डक्ट के थ्रू होगी, आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेकर चलते हैं। ये है हाउस का फर्स्ट बेडरूम, इंटीरियर आप देख सकते हैं और इसका साइज 15 बाय 12 फीट का रहेगा, जो कि एक अच्छा और एक बड़ा साइज है। और दोस्तों जो ये फर्स्ट बेडरूम है इसकी वेंटिलेशन आपकी OTS के थ्रू होगी और आपको इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। हम आपको वो टॉयलेट आगे वीडियो में दिखाएंगे। We'll be right back.
ये है हमारे फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट। इसका साइज 8 फीट 6 इंच बाय 5 फुट और 3 इंच का रहेगा और इसकी जो वेंटिलेशन है वो OTS के थ्रू होगी। OTS हम आपको इसके बाद दिखाते हैं। तो आइए इसके बाद हम हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छा इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, अच्छी वार्डरोब, सामने एक TV पैनल और इस बेडरूम का साइज 12 फीट 9 इंच बाय 15 फीट का रहेगा। और जो ये बेडरूम है इसकी वेंटिलेशन भी आपकी OTS के थ्रू होगी। तो आइए चलिए हम इसके बाद OTS की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर OTS देखने को मिल जाता है और एक साइड में आपको यहाँ पर पूजा रूम देखने को मिल जाएगा और जो OTS वाला एरिया है ये आपके वॉशिंग एरिया के यूज में भी आएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस के पूजा रूम की तरफ लेकर चलते हैं और ये पूजा रूम हमारा हाउस के बैक साइड में इसलिए आया है क्योंकि ये ईशान कोण में है। ईशान कोण में ही हमारे हाउस का पूजा रूम होता है तो ये यहीं पर आएगा। जो इसकी अच्छी पोजीशन होती है कि हाउस प्लान के अंदर वो यहीं है। आइए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं स्टेयर आपको यहाँ पर काफी अच्छे साइजेस में देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारे हाउस का फर्स्ट फ्लोर एरिया। आपको यहाँ पर गैलरी देखने को मिल जाती है जिसके साइज हमारा 6 फुट वाइड रहेगा। हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर आपको कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। इसका साइज 10 फीट 6 इंच बाय 4 फीट और 10.5 इंच का रहेगा जो कि एक अच्छा साइज भी है। और आपका जो ये टॉयलेट है इसकी वेंटिलेशन भी आपकी डक्ट के थ्रू होगी। तो दोस्तों ये है हमारे हाउस का थर्ड बेडरूम। इसका साइज 15 बाय 12 फिट का है जो कि एक अच्छा साइज है और आपको इसके साथ अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा और इसकी वेंटिलेशन भी आपकी OTS के थ्रू होगी। तो आइए हमारे हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं और इस बेडरूम का साइज 12 फीट 9 इंच बाय 15 फीट का रहेगा और आपको इस बेडरूम के साथ अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी जो कि हाउस के बैक साइड में बनी हुई है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे हाउस के बेडरूम नंबर 5 की बारी है। आप देख सकते हैं आपको इसके साथ अच्छा इंटीरियर डिजाइन और सामने TV पैनल और आपको हाउस की जो बालकनी है वो आपको यहाँ पर अटैच देखने को मिल जाएंगी।
तो आइए इसके बाद हम चलते हैं हाउस के हमारे सिक्स्थ बेडरूम की तरफ। और इससे पहले आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक अलग से डोर देखने को मिल जाता है जो आपके हाउस की बालकनी की तरफ जाता है। ये आपके कॉमन यूज के लिए है। और इसके बाद आइए चलते हैं हम हमारे हाउस के सिक्स्थ बेडरूम की तरफ। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ग्रे और ग्रीन टोन में ये बेडरूम देखने को मिल जाता है, जो कि जो आपका इंटीरियर से भी देखें तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसका साइज 15x12 फिट का रहेगा और आपको इस बेडरूम के साथ भी अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम स्टेयर से होते हुए हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ चलते हैं और आपको वहां पर दिखाते हैं कि आपको यहां पर क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे हाउस का टेरेस एरिया। आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास देखने को मिल जाएगा, अच्छी आपको यहाँ पर सिटिंग एरिया और आपको यहाँ पर एक वुडन का डेक भी देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर एक परगोला भी देखने को मिल जाएगा और जो हमारे बाकी ओटीएस वगैरह हैं वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और हमें इस वीडियो से एक बार दीजिए इजाजत। हम आपसे मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।